अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज मैंने बनाए पनीर के पकौड़े, बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं। बिल्कुल सॉफ्ट, एकदम मुंह में घुल जाने वाले, रूई जैसे सॉफ्ट बने हैं। आप लोग भी इस रेसिपी से बनाइएगा तो आप लोगों के पनीर के पकौड़े भी इंशाल्लाह ऐसे ही बने। जो लोग एयर फ्रायर वाली रेसिपी मांग रहे थे, एयर फ्रायर भी किया है और मैंने डीप फ्राई भी किया है। आप लोग भी इस रेसिपी को फॉलो करिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लग रही है। चलिए देख लेते हैं ये पनीर पकोड़े मज़ेदार हमने कैसे बनाए। पनीर पकोड़ा बनाने के लिए बेसन को घोल लेते हैं, बैटर बना लेते हैं। ये मैंने 1.5 कप बेसन लिया है। अंदर डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जीरा, साबुत जीरा, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे और हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। 3 टेबल स्पून मैंने हरा धनिया डाला है और 1 टेबल स्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल दी है। मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छा सा बैटर बना लेंगे और बहुत पतला नहीं बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे कि जो पनीर के ऊपर टिके, ऐसा नहीं बनाएंगे कि बिल्कुल डिप डिप वाला। के बैटर बन चुका है, अच्छी तरह हमने इसको फेंट लिया है और देखिए बहुत पतला हमें बैटर नहीं बनाना है। अब ये देखिए, ये मेरे पास 250 ग्राम पनीर है। पनीर को हम डाल देते हैं बैटर के अंदर और देखिए बैटर ऐसा होना चाहिए कि हम जब पनीर को डालें तो पनीर के ऊपर बैटर चिपके, ना कि बिल्कुल बह जाए। अब हम सारे पनीर को डाल देते हैं बैटर के अंदर। बेकिंग सोडा डालने से फूले फूले बहुत ही ज़बरदस्त पनीर पकोड़े बनते हैं, एकदम सॉफ्ट भी होते हैं और फूले फूले भी होते हैं। बेकिंग पाउडर ज़्यादा नहीं डालना है, 1/4 टीस्पून मतलब 3-4 चुटकी ज़रूर डालना। और ये देखिए ये पनीर मिक्स हो गया है, अब हम फ्राई करने की तैयारी कर लेते हैं। देखिए पनीर पकौड़ों को हम एयर फ्रायर भी करेंगे, उसके लिए हम एयर फ्रायर को लगा देते हैं प्रीहीट के लिए। हम 200 डिग्री पे एयर फ्रायर को प्रीहीट के लिए लगा देंगे 15 मिनट के लिए। एयर फ्रायर प्रीहीट हो रहा है, इतने हम जाके डीप फ्राई भी हमें करने हैं पकोड़े, तो डीप फ्राई करने की तैयारी करते हैं। पकोड़े बनाने के लिए ऑयल डाल देते हैं, मैं मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ, मैं मस्टर्ड ऑयल में फ्राई करूँगी। देखिए पकोड़े फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल डाल दिया है, पकने के लिए रख दिया है मस्टर्ड ऑयल। ऑयल को पकने देते हैं, मिलते हैं ऑयल के पक जाने के बाद। तेल को हमने पकने के लिए रख दिया था, तेल हो चुका है। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं अपने पनीर के पकोड़े। पनीर को अच्छी तरह बेसन में डिप करके फ्राई करेंगे। हमने जो सोडा डाला है बेकिंग सोडा, उससे बहुत ही अच्छे फूले फूले और एकदम सॉफ्ट हमारे पनीर पकोड़े बनके तैयार होंगे इंशाल्लाह।
आंच को तेज कर देते हैं और जो हो गए हैं उनको निकाल लेते हैं। और इनको पलट लेते हैं जो नहीं हुए, साइड बदल देते हैं उसकी और आंच को वापस हल्की कर देते हैं। निकाल लेते हैं, ये भी हो गए हैं। आंच को हमने तेज कर दिया है निकालते टाइम। देखिए डीप फ्राई वाले तैयार हैं, चूल्हा हम बंद कर देते हैं और अब हम चलते हैं एयर फ्रायर की तरफ। एयर फ्रायर हमारा प्रीहीट हो चुका है। अब मैं एल्युमिनियम फॉइल बिछा लेती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा चिपकेगा। अब हम इसके ऊपर ब्रश से ऑयल लगा देते हैं। अच्छे से हमने ऑयल लगा दिया है पनीर को अच्छे से। पनीर को अच्छे से बेसन के अंदर डिप करके हमें एयर फ्रायर के अंदर रखना है। अब हम इसको रख देते हैं एयर फ्रायर में, ऑयल मैंने लगा के, और देखिए पनीर पकोड़ा हमने लगा दिया है। और अब हम इसको कर देते हैं स्टार्ट। टू हंड्रेड डिग्री पे अब हम करेंगे। टेन मिनट के लिए स्टार्ट कर देते हैं। अब मिलते हैं एयर फ्रायर हो जाने के बाद, 10 मिनट बाद चेक करेंगे कि हुआ है कि नहीं हुआ। चेक कर लेते हैं, देखिए एयर फ्रायर में भी हो चुका है। अब हम निकाल लेते हैं एयर फ्रायर वाला भी और डीप फ्राई वाला। देखिए मजेदार पनीर के पकोड़े बनके तैयार हो गए हैं। ये मैंने डीप फ्राई किए हैं और ये मैंने एयर फ्रायर में किए हैं, दोनों बहुत ही जबरदस्त बने हैं। देखिए दही के अंदर मैंने थोड़ी सी ग्रीन चटनी मिला के इस तरह से मैंने चटनी बनाई है पकौड़े के लिए, और ये केचप है, इससे हम खाएंगे। बहुत ही जबरदस्त बने हैं, आप लोग भी बनाइए, बहुत ईजी रेसिपी है, झटपट बन जाती है। आप लोग बनाइए और बताइएगा कमेंट्स करके कि मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लग रही है। चलिए इसी तरह अच्छी और इजी रेसिपी, रमजान स्पेशल रेसिपी मैं लाती रहूंगी। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलूंगी नई रेसिपी के साथ। सब्सक्राइब करना मत भूलें। चलिए दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।